Hello Bacho, let's read this question. The question says that a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D is charged to potential difference B and then the battery is disconnected. A sap of dielectric constant K is then inserted between the plates of the capacitor so as to fill the space between the plates. If Q, E and W denotes respectively the magnitude of charge on each plate. द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इन क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब देन तो हमें ऑप्शन ए गिवेन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखते हैं कि हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है तो की कॉन्सेप्ट है हमारा की कॉन्सेप्ट वो है हमारा कैपेसिटर इंट्रोड्यूस्ड बाय कैपेसिटर इंट्रोड्यूस्ड बाय डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक तो जब हम डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है पोटेंशियल पोटेंशियल एंड कैपासीटेंस सिटेंस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ बाय द फैक्टर ऑफ बाय फैक्टर ऑफ डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक तो यदि मैं बात करूं कि जो हमारा कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस क्या हो जाता है जब हमें दो प्लेट के बीच डिस्टेंस डी एंड एरिया ए हो तो हमारा हो जाता है एफसेल नॉट ए डिवाइड बाय कितना हो जाता है डी यदि हमारे पास टू कैपेसिटर है सॉरी कैपेसिटर प्लेट है हमारे पास एंड ये कुछ इनका सेपरेशन दिया हुआ है डी एंड जो एरिया होता है ए है तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो एफ नॉट बाय डी हो जाएगा तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पैरलर प्लेट है जिसका सेपरेशन डी है एक पैरलर प्लेट हमने लिया ये एंड जो कि जिसका सेपरेशन कितना गिवन है डी एंड एरिया ए तो हमारा जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी एंड पूछ रहा है कि चार्ज चार्ज कितना है तो चार्ज की यदि बात करें तो चार्ज होता है हमारे पास सी बी क्योंकि पहले इनको क्या किया गया है क्वेश्चन में गिवन है कि जो कैपेसिटर है सेपरेशन डी हमारे पास जो सेपरेशन डी है एंड जो एरिया ए है एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी है फिर उसके बाद बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया जाता है तो हमारे पास जो पोटेंशियल तो 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 ये आ गया हमारे पास इसको मैंने नंबर दे दिया ए ए मैंने दे दिया अब हम क्या करते हैं बैटरी से अब डिस्कनेक्ट कर देते हैं एंड इनके बीच में सेकेंड केस क्या बोल रहा है हमारे पास की ये जो हमारा कैपेसिटर uh, है इसको डिस्टेंस तो डी ही होगा एरिया ए ही होगा एरिया ए है एंड डिस्टेंस ये डी है हमारा एंड इसके बीच में क्या किया गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस कराया गया है तो अब बोल रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी तो कैपेसिटेंस क्या होती है कैपेसिटेंस सी डैस हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइड बाय डी क्योंकि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो के फैक्टर से क्या होता है इंक्रीज होता है एंड जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल तो डिक्रीज होता है बाय द फैक्टर ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हम चार्ज की बात करें तो जो क्यू डैश आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा वो आएगा हमारे पास सी डैसैश तो सी डैश कितना गिवन है हमारे पास नॉट सिल डिवाइड बाय डी एंड वी बाय के तो आ जाएगा मेरे पास के भी के हो जाएगा तो के से कैसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ नॉट ए भी डिवाइड बाय डी या मैंने इसको नाम दे दिया बी इक्वेशन बी मैंने दे दी अब हमारे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जब कब जब आफ्टर द स्लैब इज इनसर्टेड जब हम स्लैब को क्या कर रहे हैं इंसर्ट कर रहे हैं उसके बाद बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास v v क्योंकि v इसलिए मैंने लिया क्योंकि आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो आफ्टर आफ्टर इंसर्टिंग द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट द पोटेंशियल विल बी वी डैस नॉट भी तो वी डे क्या आएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास भी वाई के डी तो वी बाई के हो गया एंड डी तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा आया ये मैंने नाम दे दिया ये C. अब बोल रहा है कि वर्क डन कितना होगा तो वर्क डन जो होता है हमारा वो क्या होता है क्वेश्चन में वर्क डन भी बोला निकालने के लिए तो वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया हमारे पास कितना चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में तो आया हमारे पास वन बाय टू सी वी माइनस वन बाय टू सी डैश का स्क्वायर यही आया ना तो यहाँ पास से हम सी एंड वी की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ मैं यदि रखूँ तो वन बाय टू सी सी क्या हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी एंड भी क्या है हमारे पास भी स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये वन बाय टू सी डैश कितना है पास तो के, के हमारा क्या हो गया है? के, के कैंसिल हो गया यहाँ से आया हमारे पास अब वी स्क्वायर बाय डी ये हमारे पास क्या है जो कॉमन है हम कॉमन ले लेते हैं तो वन बाय टू एफ सिलोन नॉट ए डिवाइड बाई डी ये हमारे पास क्या है कॉमन है स्क्वायर भी कॉमन है B square मैंने ले लिया अब यहाँ से आया हमारे पास वन माइनस वन बाय के वन माइनस वन बाय के आ गया हमारे पास तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो कितना आया वन बाई टू एफ सिलोन नॉट बाई डी ए वी स्क्वायर वन माइनस वन के अब हम देख लेते हैं कि में क्या क्या में तो ऑप्शन की बात कर यदि हम तो क्यू इज इक्ल ए जब हमने डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था एंड हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या था वी था तो हमारे पास भी ए मैंने ए में देखूं तो हमारे पास भी ए हमारे पास यही आया हुआ है तो ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ करेक्ट होगा ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ करेक्ट हुआ एंड ऑप्शन बी बात करूं तो क्यू इक्वल टू जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया तो एफ नॉट के ए बी बाय डी तो के से के कैंसिल हो गया था तो ये तो हमारे पास नहीं है एन सी की बात करूं तो ई इज इक्वल टू वी बाई के बाई डी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास क्या आया है पोटेंशियल बाई के इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यही आया तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन डी की बात करूँ जो वर्क डन आया है, है? तो यहाँ भी, तो भी आया हमारे पास वन माइनस वन बाई के तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हुआ करेक्ट हुआ तो ऑप्शन ए बी एंड डी हमारा क्या हुआ करेक्ट हुआ आई होप यूर